आप सभी का स्वागत है ईआईएस प्रिस्क्रिप्शन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी में जब इलेक्शन चल रहे थे, अलग अलग पार्टियों की ओर से कई सारे वादे किए गए थे, संकल्प पत्र जारी हुए, घोषणा पत्र आए, जहां पे अलग अलग बातें सरकार की ओर से कही गई थी। दोबारा सत्ता में भाजपा सरकार आ चुकी है और भाजपा सरकार की ओर से जो संकल्प पत्र जारी किया गया था उसमें एक बड़ी बात कही गई थी कि छात्राओं को स्कूटी जो है वो दी जाएगी। तो यहाँ पे अब दोबारा जब भाजपा सरकार सत्ता में आ चुकी है तो अब आप लोग को स्कूटी स्कीम कब दिए जाएंगे, क्या तैयारी की जा रही है, किस तरीके से फॉर्म भरना होगा, तो इन सभी को लेकर सारी बातें विस्तार से करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये हिंदुस्तान की वेबसाइट है और यहाँ पे आप लोग डेट भी देख सकते हैं कि 13 मार्च को यहाँ पे आप लोगों को सारी जानकारी दी जा रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया कि छात्राओं को योगी सरकार दे रहे हैं फिर स्कूटी, फटाफट जाने क्या करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या सारी बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जो सारी बातें आप लोग को बताई गई हैं कि दोबारा भाजपा सरकार सत्ता में आ चुके हैं, संकल्प पत्र में जो बातें कही गई थी उस पर अब अमल करने की तैयारी बिल्कुल तेज कर दी गई है। जल्द ही सरकार की ओर से उस शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय जाने वाली मेधावी छात्रों को स्कूटी देने की स्कीम को लागू करेंगे। साथ ही यहाँ पे देखिए बताया गया कि उज्ज्वला योजना के तहत ग्राहकों को होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की जो तैयारी है वो भी की जा रही है। साथ ही यहाँ पे मेधावी छात्रों को स्कूटी देने की स्कीम का ये बिंदु भाजपा के लोक संकल्प पत्र में शामिल था, जिस पर सरकार अब तेजी से काम कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि सारी बातें बताई गई हैं कि भाजपा सरकार की ओर से जो संकल्प पत्र जारी किया गया था उसमें रानी लक्ष्मीबाई योजना के नाम से आप लोग को स्कूटी देने की बातें कही गई हैं, जितने भी मेधावी छात्र हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग आगे देखें जो यहां पे बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो लिस्ट है, जो छात्राओं का चुनाव है वो किस आधार पर किया जाएगा, वो सारी बातें यहाँ पर आप लोग को बताई गई कि छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में योगी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस स्कीम का नाम रानी लक्ष्मीबाई योजना है। छात्राओं का आंकड़ा जुटाने के बाद सरकार अपने बजट के हिसाब से इस योजना के अंतर्गत कार्य करेंगे। माना जा रहा है कि मेधावी छात्रों का चुनाव करने के लिए सरकार इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों को आधार बनाया जा सकता है, वहीं पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्राओं को स्कीम के तहत उनके स्नातक के अंकों का आधार बनाया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले इस तरह की योजना राजस्थान की छात्राओं के लिए भी लाई गई थी। देवनारायण स्कूटी योजना 2022 के तहत छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाती है, जिसके लिए छात्राओं को 12वीं में 75 अंक के साथ अधिक लाना अनिवार्य रखा गया। तो अगर इसी तरीके से यूपी में जो आप लोग के लिए स्कूटी बांटने को लेकर बातें कही गई हैं, जो छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी उसमें तकरीबन आप लोग मान के चलिए कि अभी फिलहाल 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। सरकार की ओर से भले तैयारी की जा रही है, उसके बाद से बजट पास होगा, फिर आप लोग से किस तरीके से फॉर्म भरवाए जाएंगे और यहाँ पे जो आप लोग के परसेंटेज का आधार होगा वो फिलहाल अभी कोई भी फिक्स नहीं है, क्या सारी बातें होंगी उसकी तैयारी करने में मान के चलिए कि कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त तो लगने ही वाला है। अगर यहाँ पे आप लोग के आसपास परसेंटेज को लेकर बात की जाए तो अगर आप लोग यूजी में हैं तो आप लोग की अगर 12th में 60+ होंगे तो फिर आप लोग एक कंफर्ट जोन में होंगे, फिर आप लोग को जो स्कूटी योजना का लाभ है वो मिल सकता है। इसके साथ ही अगर पीजी की छात्रा होंगी तो तकरीबन आप लोग के 55% से अगर अधिक मार्क्स होंगे तो आप लोग के इसी तरीके से अगर पीजी को लेकर बातें की जाए तो अगर आप लोग के 55% से अधिक परसेंटेज है तो फिर आप लोग को स्कूटी योजना का लाभ मिल सकता है। बाकायदा इसको लेकर बस तैयारी जो है वो की जा रही है, अभी कोई भी पैमाना कोई भी आधार तय नहीं किया गया। और यहाँ पे जो बातें कही गई हैं कि जितने भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाली यानी कि जितने भी उससे संबंधित कॉलेज में पढ़ाई करने वाली छात्रा होंगी उन्हें स्कूटी स्कीम का जो लाभ है वो मिलेगा। मास्टर कोर्सेज में यानी कि बीएड में हो, आईटीआई में हो, कई सारे पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं तो फिर उन्हें इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी पूरी तरह से बातें स्पष्ट नहीं की गई हैं। किस तरीके से तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है ये सारी बातें आप लोग मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीने में साफ तो हो ही जाएगा। फिलहाल अभी जो तैयारी है वो बस की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भाजपा सरकार की ओर से घोषणा की गई है, जो संकल्प पत्र में बातें कही गई हैं खासतौर पे आप लोग की स्कूटी देने को लेके, तो उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो यहाँ पे जल्दी छात्राओं के लिए अच्छी खबर आएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और कोई भी सवाल आप लोग के रह जाते हैं तो आप लोग अपने सवाल को भी कमेंट कर दीजिएगा।